मैं अभी तेलुगु में जो बोल रहा था आप सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आशीर्वाद के रूप में जिन्होंने आज आपके सामने यह जो आतिशबाजी का नजारा दिखाया और मेरे हर गुरु कार्य पर बुलाते ही आ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं कि इसके बारे में कितना खर्चा होता है। अभी दत्तू भैया बता रहे थे, मैंने तो धड़ाम के साथ मेरी छाती रुक गई कि इतना आतिशबाजी के लिए खर्च होता है और ये किसने किया। तो उस्मानाबाद के साधक वाक्सर हो या उनकी प्रेरणा से प्राप्त उन लोगों ने ये आतिशबाजी की। आज गुरु जन्म दिवस से लेकर हम रामलिंग में भी इस आतिशबाजी को हमने देखा और आज गुरु शिवरात्रि को भी देखा और आज गुरु पूर्णिमा भी देख रहे हैं। इसके पीछे इतना है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि वे ऐसे कार्य करने के लिए उनको किसी तरह की कमी ना पड़े और सारा समाज सारा आनंद और ये उत्सव में आतिशबाजी वो लोग हर जगह करते रहे। और उनको करने के लिए मैं मेरी तरह से सम्मान पूर्वक उन्हें यहाँ मंच पर बुलाता हूँ कि आप भी उन्हें देखें कि वे इस गुरु कार्य में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका नाम लेता हूँ, वाल सर यहाँ आए और उनको निखिल चेतना केंद्र की ओर से सम्मानित करें। मैं वाल सर को यहाँ बुला रहा हूँ, उस्मानाबाद के वाल सर यहाँ आए। ये क्रांति फायरवर्स तेरखेड़ा नाम के गांव के रहने वाले हैं जो आतिशबाजी आपको आपके सामने बताएं। और इसके पीछे मैं जरूर इसका एक बात कहता हूं, इसके पीछे केवल वाघ सर की प्रेरणा है और मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे प्रेरणा में कार्य बनाते रहें। और उन्होंने निखिल चेतना केंद्र के बारे में बहुत सारा सहयोग प्रयत्न करने में आपको। और एक विशेष बात बताऊं तो मैंने उस्मानाबाद में इस बार 2-3 बार गया हूं और उनका कार्य देखकर मैं आश्चर्य से गया कि उस्मानाबाद के जिले के आसपास के हर गांव में निखिलेश्वरानंद स्वामी जी का हर घर में फोटो है और उन्हें बांटा है। ये कहते हुए कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आ रहे हैं, उनके इसके कार्य की सराहना करते हुए मैं कहता हूं कि ऐसा कार्य करते रहे, हर एक के घर में निखिलेश्वरानंद जी का चित्र है। और उन्हें इसी प्रेरणा के साथ भूम के साधक भी जो इस प्रेरणा से लेते हुए पहली बार पालकी लेकर वहां से यहाँ आते हैं, जो 500 किलोमीटर के नजदीक नजदीक यहाँ आते हैं, तो आप उनके उस प्रेरणा को भी आप जाने। मैं उस भूमि के साधकों को भी इस मंच पर यहाँ आज बुला रहा हूँ ताकि आप उनको देखें। उनका सम्मान का कार्यक्रम कल होगा। भूमि के पालकी में आए हुए साधक यहाँ पधारे। मैं वाद सर से तेरखड़ा के आतिशबाजी करने वाले उन महान साधकों को जो अपनी जाति भेद या कुछ भी ना रखते हुए गुरु कार्य में आगे बढ़ते हुए आए हैं, मैं उनको यहाँ मंच पर बुला रहा हूँ और सम्मान मैं वाद सर से ही उनका सम्मान करवाऊंगा। वे आए, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। मजीद शोला वे आए यहाँ, फेरूज पठान यहाँ आए, रफीक पठान यहाँ आए, सकाराम तेरखेड़ा यहाँ आए, हुसैन मामा यहाँ आए और नवनाथ कस्बे जिन्होंने ये सारा कार्य आतिशबाजी का कार्य किया है वे लोग यहाँ आए। और इधर के बाजू में जो भूम से आए हुए साधक हैं जिन्होंने पालकी लेके आए हैं वे लोग इधर खड़े हुए। और यहाँ इधर तेरखेड़ा से आए हुए वो सारे आतिशबाजी के कार्यकर्ता जो आपने उसका इतना उत्सव मनाया वे यहाँ आए। मैं वास्तव से कहता हूँ कि उनके मुख्य मनीष शोला जी को सम्मान शाल से सम्मानित करें। आप सब लोग उनके उपलक्ष में बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। फेरूज पठान, फेक पठान ऐसा ही करे और उनको आशीर्वाद देता हूँ। और गणेश कुलकर्णी और उनके साथियों को कहता हूँ कि एक बार यही पालकी लेकर आए, जिस पालकी को उन्होंने वहां से लेकर आया था पालकी लेकर यहाँ मंच पर आए। 4-5 लोग केवल जाएं और पालकी को लेकर यहाँ आए। फुले जी जाए, यहाँ खड़े रहने क्या बात है, जाए आगे बढ़े। पालकी लेके आए
अब आपको इसका रहस्य बतलाता हूँ। जब ये सब लोग मेरे पास आए थे और गुरुजी उन्होंने कहा कि गुरुजी हम गुरु पूर्णिमा को पाल के लेकर आएंगे, पहले पहले 5 लोग चलते हुए आए और उन्होंने वे यहाँ निखिल चेतना केंद्र तक पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी कथा सुनाई, व्यथा सुनाई, गुरुजी आते समय क्या क्या कैसे हुआ। लेकिन इस बार हम पालकी लेकर आएंगे, ये उनका निर्णय था। पहले मैं तो अतरज में रह गया, मैं बोला पालकी भूम से 500 किलोमीटर आप वहां से कैसा लेके आएंगे, यहाँ नहीं हो सकता। और ये आजकल का जमाना बारी पंडरी को जाती है और ये बारी उल्टी लेके आएंगे तो तुम्हारे को कौन सहायता करेंगे, तुम कैसे आएंगे, हो नहीं सकता। ये मेरी ऐसी मेरा ऐसा ही चिंतन था कि बच्चे इतने वहां से दूर से चलते आए, चाहे मेरे गुरु भाई भी हो, उनको तकलीफ हो तो मेरे भी कांटा चुभता है। मुझे बहुत मैं इतना हैरान था कि ये लोग कैसे वहां से चलते हुए आएंगे, क्योंकि मैं कार में आते आते ही थक जाता हूँ, ये चलते हुए आना क्या मामूली बात नहीं है। मैं पहले तो उनको ये बात कहने के लिए टालता रहा, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। और बाद में इन्होंने जब कहा कि गुरुजी पालकी तैयार हो गई, अब मुझे तो मजबूर होना पड़ा कि पालकी इनको लाना ही लाना है किसी भी तरह, ये तो जीते छोड़ेंगे नहीं मुझे, कैसा भी आएंगे ही आएंगे। उस्मानाबाद गया था, मैंने कहा वाह सर ये सब लोग देखो भूम से यहाँ सब चलते हुए आ रहे हैं और ये लोग तो जिद पकड़े हुए थे, मुझे मालूम है इनकी स्थिति क्या है, मैंने जानता हूँ ये कितने अपने दिल से गरीब है, अपने आर्थिक समस्या से गरीब है लेकिन दिल से बहुत धनवान, धैर्य है, हौसला है, शक्तिवान है, गुरु जी की शक्ति उनके पीछे है। चलते समय उनके पास क्या था ये मैं जानता हूँ, केवल गुरु शक्ति के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। वहां से जब से चलने के लिए निकले, पालकी जब निकले और मैं जिस दिन पहली बार मैं बारसी पहुंचा उनकी पालकी के सामने, मैं ये देखकर अचरज में रह गया कि ये सब लोग यहाँ से चलते उतनी दूर तक कैसे आएंगे। निर्णय ले लिया कि इनके जीवन में इनको कुछ कष्ट ना हो, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जमाना बारिश का जमाना है, आते आते पालकी में बारिश गिर गई या कहीं रुक पे कीचड़ हुआ, हाईवे चलता है वहां से आए, गुरु जी हम हाईवे से नहीं आ रहे, मैं बोला कहाँ से आ रहे, कोई जंगल का रास्ता बता। फिर मैं भी उस जंगल के रास्ते से कार में आया, देखा तो बहुत बड़ा घना जंगल है, वहाँ बीच में कोई होटल वटल भी नहीं था, कोई दावा भी नहीं है। अरे बोला इनकी व्यवस्था कैसी होगी, तुम कैसे आएंगे भाई, पूरा जंगल से आ रहे, हाईवे से आएंगे तो लारियों का परेशानी और यहाँ से आए तो जंगल की परेशानी, खाना खाएंगे कैसा, आएंगे कैसा। गुरु जी बस एक ही नारा लगाया, गुरु जी आपकी कृपा है हम जरूर आएंगे। अरे कृपा है मैं परेशान हूँ, मेरी कृपा से शक्ति पर हम यहाँ तक आएंगे कैसे। लेकिन उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया कि गुरु कृपा क्या होती है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जब वे आए मैं शिवा से पूछा, भाई वो पहुंच गए, रोज इसका ब्यौरा लेता था, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक आए हैं, रोज फोन पे बात करता था, गुरु जी सब ठीक है मैं आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ ठीक है, तुम्हारा कोई बुखार बुखार आया है? नहीं कुछ नहीं गुरु जी बहुत अच्छे हैं। मैं बोले झूठ तो नहीं बोल रहे, इनको बुखार तो नहीं आया, अब एक निर्णय लिया, ये ऐसा मेरे को सच नहीं बताएंगे, मैं साधना के मार्ग पे जाना है, बस एक ग्लास दूध पे रहिए, जब तक मुझे मेरे हैदराबाद के शिवार में नहीं पहुंचेंगे तब तक एक ग्लास दूध पे रहूंगा, साधना रत रहूंगा और उस देवता को इनके साथ भेजूंगा जो इनको कभी कुछ तकलीफ ना हो। पहले परेशान में आदमी का बच्चे जिस धैर्य का उन्होंने परिचय दिया और जिस रथ को लेकर वे निकले तो वो लोग अपना अनुभव बता रहे थे, मुझे बहुत आनंद हुआ कि हर गांव में हर गली में हर लोग पहुंचते हैं और उस पालकी को देखते हैं और बोलते कि ये कौन महाराज है, ये कहां से आए हुए हैं और उनको नमस्कार करते। तो उन्होंने अपने पालकी को आते आते गुरु जी का परिचय संसार को करवाया, ये उनका श्रेष्ठता, उनकी श्रेष्ठता है। जो गली गली छोटा गांव नहीं जानता था वो इस वाली से जान गया कि स्वामी निखिलेश्वर जी जीते हैं और उनकी भी पालकी निकलती है और पंडरपुर में रहने के इधर हैदराबाद में आ गए हैं और वारी पलटी के पलट खा गई है। आज ये लोग 50-100 लोग आए हैं, कल 200 आएंगे और 500 आएंगे और पंडरपुर के पंडरीनाथ पूछेंगे कि वारी पलट पलट के जा रही है, भाई उनको या तो रोको नहीं तो मैं हैदराबाद चला जाऊंगा। इन्होंने जो कार्य किया वो केवल उनके चलने का या उनकी प्रशंसा, उस प्रशंसा को मैं नहीं करता लेकिन उस प्रशंसा को करता हूँ जो उन्होंने गुरु कार्य करते हुए आगे चला और समाज को गुरु जी से परिचित करवाया, गुरु जी के पादुकाओं को, गुरु जी के चित्र को, गुरु जी के चिंतन को उन्होंने जो परिचय किया, ये सराहनीय कार्य है। ये उन्होंने कोई पैसे करोड़पति नहीं है, अंबानी नहीं है, वो लोग गुरु जी को अपने हृदय में बिठाकर चलने वाले वो साधक, दिलदार साधक है जो कुबेर से भी महान धनवान है।
और मैं जब वो ना लिंगमपल्ली यहाँ हैदराबाद की शिवार में पहुंच रहे थे तो मैंने शिवा को भेजा, शिवा को भेजकर कहा, दत्तू भैया को भी भेजा और कहा देखो उनको कुछ कमी, उनको आशीर्वाद देता हूँ मन मन पूर्वक और परम पूज्य सद्गुरुदेव से भी और सिद्धाश्रम के सारे योगियों से ये मांगता हूँ कि उनका ये कार्य ऐसा ही अक्षुण्ण चलता रहे, हर गुरु पूर्णिमा हर जगह से ऐसे ही पालकियां आए और संसार देखे कि निखिल ज्योति जल रही है, निखिल ज्योति चलते हुए आ रही है, निखिल ज्योति हर गाँव में बरस रही है। मैं सभी साधकों के उस्मानाबाद के साधकों से बहुत इसलिए सम्मानित, उनको सम्मान के साथ यहाँ मैंने मंच पर बुलाया है कि उनका कार्य जो मैं नहीं कर सका उन्होंने ये कार्य किया है, इसलिए मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। मैं चलते हुए नहीं आ सका लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ। माताजी का बहुत दिनों से एक इच्छा थी, माताजी क्या इच्छा थी, पहले तो मानस सरोवर जाने की इच्छा थी। मैं बोला मानस सरोवर नहीं जा सकते, लोगों के पास पैसे नहीं है और ये सब ले जाना क्या मामूली बात है, तो मानस सरोवर क्या गली का खेल समझ लिया क्या, नागपुर या उस्मानाबाद से ट्रेन में गए आए, मानस सरोवर नहीं जा सकते। उसने जिद ही पकड़ी, जाना है तो जीवन में आप क्या बूढ़े होने के बाद जाएंगे क्या, अरे मैं बूढ़ा नहीं होता, नहीं जाएंगे, मैं बूढ़ी हो जाती हूँ ना, जाना है मानस सरोवर, एक ही रट लगा है मानस सरोवर जाना है जाना है। अब आपने देखा मानस सरोवर 100 लोगों को लेकर गया, उसके कहने पर मानस सरोवर की यात्रा अच्छी हुई, जो लोग नहीं कर सके वहां गुरु कृपा हुई, हमने मानस सरोवर की यात्रा संपन्न की। उसकी बहुत दिनों से इच्छा है, क्या इच्छा है कि अगर इस संसार में कोल्हापुर की महालक्ष्मी माँ कोल्हापुर में बैठी हुई है और निखिल चेतना केंद्र में आप दशमा विश्वविद्यालय स्थापना करना चाहते हैं और इन सबसे कुछ भी पूछना नहीं चाहते हैं तो हम दोनों मिलकर कोल्हापुर तक चलते हुए यात्रा करेंगे। अरे मैं बोला ये यात्रा कब होने वाली। जब माताजी ने ये इच्छा व्यक्त की तो यहाँ अपने उस्मानाबाद के जितने भी साधक है, गुरुजी माताजी अकेले क्यों चलेंगे, हम तो हम सौ पीछे है ही है, हम तो सौ पीछे चलेंगे ही चलेंगे। मैं सौ का लाइन देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि इसके पीछे हजार की लाइन लग रही है। जब पल्लकी के पीछे इतने लोग आए हैं तो गुरुजी चलने लगेंगे कोल्हापुर, तो कोल्हापुर देखेगा कि पंडरीपुर से लक्ष्मी महालक्ष्मी का स्थान निखिल श्रीस्थान जी वहां गए हैं। तो यह कार्य भी यहाँ दशमा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए माताजी की इच्छा है कि हम कोल्हापुर को यहाँ ऐसी ही वारी करें और कोल्हापुर हम चलते हुए पहुंचे। अब यह कार्य कब निर्णय करने वाला हूँ ये सब इन लोगों पर आधारित है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं। जैसे भी करेंगे हम जरूर कोल्हापुर पहुंचेंगे और महालक्ष्मी को वहां से यहाँ लेके आएंगे, निखिल चेतना केंद्र में लेके आएंगे और देखेंगे कि ऐश्वर्यवान महालक्ष्मी यहाँ बैठी हुई है। आप सब लोग इसके साक्षी रहे, आने वाले पीढ़ी कहे कि कोल्हापुर की महालक्ष्मी निखिल चेतना केंद्र में आई हुई है और इसमें आप सभी का सहयोग है। मैं कहता हूं कि मैं जब भी जाऊंगा आपको पॉम्पलेट जरूर भेजूंगा, वहां जहां बैठे बैठे हैं गुरु जी चलना नहीं होता पाँव में दर्द है, ये आप जरूर मुझे बतला देना, मैं पाँव का दर्द लेकर आपके पाँव का दर्द लेकर मैं चलता हूं। और वहां से कहना कि गुरु जी टाटा आप जाके आइए, हम निखिल चेतना केंद्र में मिलते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि ऐसा कार्य करते रहे और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का प्रचार प्रसार मन के पूर्वक मन से करें, धन से नहीं, तन मन धन तो है ही है। आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, जब वो वहां से चले थे एक बैग में गेहूं है एक बाग में आटा लेकर चले थे और यहां आए तो यहां धनधान्य भरते हुए वो गाड़ी आई, जहां गुरु कृपा अन्नपूर्णा उनके साथ लेकर यहां आए और ऐसी अन्नपूर्णा उनके जीवन में बरसती है, उनको धनधान्य से वे परिपूरित हो और गुरु कार्य में ऐसे ही आशीर्वाद परिपूरित शक्ति उन्हें प्रदान करे, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। कल इनका मैं गुरु आशीर्वाद के रूप में उनका सम्मान करना चाहता हूं, कल फिर मंच पर बुलाऊंगा। एक बार जोर से जय घोष करें, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। और पालकी फिर जहां थी वहीं रख दें, आप सब लोग पालकी से पहुंचे कि उनको मैं देखकर मैं ये आश्चर्यचकित रहेगा कि आपको कुछ नहीं हुआ क्या, किसी ने बुखार की बात भी तक नहीं कही और वे गुरु कृपा से यहां पहुंचे हैं, यह एक श्रेष्ठता है। ये भैरव वाहन उनके साथ यहाँ आश्रम तक पहुंचा है, कहाँ से आया पता नहीं, वहां से आया, ये आपकी पालकी के साथ आया हुआ यह भैरव वाहन जिसको देखकर आप एक बार जरूर तालियां बजाए कि यह भी गुरु जी की भेजी हुई रक्षा है, यह भी गुरु जी की भेजी हुई वह रक्षा है जिसे भैरव वाहन कहा गया, जो पालकी के साथ बिना बुलाए आए और इसके और इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं चाहिए कि जो भैरव वाहन भैरव की रक्षा उनके साथ थी, इससे बड़ा उदाहरण आपको कुछ नहीं चाहिए कि गुरु कृपा किस तरह होती है।
जब भी बुलाएं या उनके साथ तार जुड़े हुए हों तो आप जब भी बुलाएं, बुलाने से पहले ही आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तार जुड़ने की प्रक्रिया हमें आनी चाहिए। मैं बहुत सारी साधनाएं आज तक देता रहा, आज मैं कम से कम 1998 से, उससे पहले तो सभी के साथ बैठ के साधनाएं करता था, 1998 से शिविर कर रहा हूं, आज 10 साल हो गए, 2008 गुरु पूर्णिमा चल रही है। मुझसे जितना बन सके और मुझसे जो भी हो सके मैंने साधनाएं सभी को दी है, मैंने भी साधनाएं संपन्न की है, करवा रहा हूं, कर रहा हूं। लेकिन जब भी गुरु कृपा की बात आती है तो देखता हूं कि कितने लोग गुरु कृपा प्राप्त हैं, कितने लोग संपन्नवान हैं, कितने लोग गुरु की निंदा नहीं करते, कितने लोग ये कॉम्प्लेंट नहीं करते कि गुरुजी हमें कोई साधना सिद्धि नहीं होती, गुरुजी आपके पास आए हमें कुछ नहीं हुआ, ये कितने दिन तक सुनते रहना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने पहली बार गुरु से यह बात कहते हुए सुना था कि मैं साधना का मार्ग बतलाता हूँ, साधना करवाता हूँ, और आप जब साधना करते हैं तो मैं देवताओं को आह्वान करता हूँ कि इनको आशीर्वाद दें, मैं देवताओं के बुलाने की प्रक्रिया सिखाता हूँ, लेकिन आप पहले गुरु के पास जाने की प्रक्रिया सीखें, गुरु के साथ जुड़ने की प्रक्रिया सीखें, तब आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। आप गुरु के साथ जुड़े तो किस तरह, आप गुरु के साथ रहे तो किस तरह, गुरु का सम्मान करें तो किस तरह, गुरु को प्रसन्न करने की क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। यह बात आज नई परंपरा से चल रही है, चलते हुए आ रही है। आपके जीवन में भी बहुत सारे गुरु आए होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे गुरुओं ने प्रवेश किया होगा, आप भी ये बात जानते होंगे कि मैं फलाने गुरु के पास गया, कार्य हुआ, पहला कार्य हुआ अच्छा हुआ, दूसरा कार्य नहीं हुआ तो हम तत्क्षण बदल देते हैं कि भाई पहले बाजू में गए गांव में अच्छे गुरु आए हैं, उनको नमस्कार करने से हमारी बहुत सारी कार्य संपन्न हुई और हम उस गुरु के पास गए। आप इस तरह गुरु बदलते हुए जो जाते हैं, आप एक परंपरा को लेकर नहीं चलते, आप एक परंपरागत नहीं होते, आप एक घर वाले नहीं होते, आप बेघर करके घूम रहे हैं, और जो बेघर होता है आदमी उसका ठाव ठिकाना नहीं होता, वो कहीं का नहीं रहता, उसे कोई पहचान नहीं रहती, उसको संसार पहचानता नहीं, इसलिए आजकल बहुत से साधु संत गुफाओं में बैठे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं, उन्हें कोई पहचानता नहीं। भगवान को भी अगर पहचान रहनी है तो उन्हें एड्रेस लेने के लिए जन्म लेना पड़ा, किसी के घर में, मथुरा में हो, वृंदावन में हो, अयोध्या में हो, उनको एड्रेस के लिए जन्म लेना पड़ा, तब कहीं उनको पता चला कि हम उनको पहचानते हैं, अगर एड्रेस उनका भी नहीं है तो उन्हें भी कोई पहचानता नहीं। तो इस पहचान, कब पहचान होती है, किसकी पहचान किस तरह होती है, भगवान को अपनी पहचान देने के लिए जन्म लेना पड़ा, अंतर्यामी जहां भी है वहां बैठे हुए निराकार, किसने आज कितने भी लोग, बहुत सारे लोग आए, भगवान को निराकार कहा, लेकिन जिस आचार्य ने निराकार कहा उस आचार्य की परंपरा चलाने के लिए उसको उसका फोटो जरूर लगाते हैं, फिर काया हुआ, वो तो साकार ही हुआ, वही सनातन धर्म हुआ। कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है जिसके बारे में जिसकी दरगाह ना हो, जिसका समाधि ना हो, जिसका फोटो लगाना हो, ऐसी कोई परंपरा नहीं हो, चाहे कितना भी कहे कि हम भगवान हमारे निराकार है, भगवान को आकार नहीं है, कुछ भी कहे, लेकिन परंपरा चलने के लिए उनके फोटो, उनका क्षेत्र, उनका स्थान, उनका परिचय जरूर चाहिए, जरूर होना है, और इस परिचय और पहचान के लिए उन्हें उनका एड्रेस जरूरी है। बिना एड्रेस के आप नहीं जान सकते कि वो कौन कहां बैठा हुआ है और किससे किसके साथ क्या उपदेश लिया जाए। हम उस पहचान के लिए जन्म लेते हैं तो भगवान को भी पहचान के लिए जन्म लेना पड़ा, भगवान की समाज और उस परंपरा को, दृढ़ी को निकालने के लिए वो समय समय अनुसार, समय समय को बदलते हुए, धर्म को बदलते हुए जन्म लिए। राम ने एक पत्नी व्रत कहा तो कृष्ण बहुभार्य तत्व कहने लगे, राम ने युद्ध का मार्ग नीति से अपनाई तो कुटिल नीति श्री कृष्ण ने अपनाई, क्योंकि उनके उनके जमाने में समाज बदल गया था, राम के जमाने में योग का तरीका अलग था, कृष्ण के जमाने में योग का तरीका अलग था, लेकिन हम ये दोनों भगवान को पूछते हैं, हम ये दोनों की परंपरा चलते हैं, लेकिन हम दोनों की परंपरा में ठीक से हमें पता नहीं चलता। अगर तत्व में जाते हैं तो राम एक जगह एक पत्नी व्रत है और भगवान कृष्ण बहुभार्य तत्व वाले हैं, इन दोनों की आराधना कर रहे हैं, किन की परंपरा का अवलंबन करें,
जिस समय राम ने सनीति अपनाई थी, अच्छी नीति के साथ गए, समझाने का प्रक्रिया करते हुए उन्होंने कार्य किया। कृष्ण ने कुटिल नीति के साथ जरासंध को मारा, दुर्योधन को मारा, कर्ण को मारा, भीष्म को मारा और उस शत्रुता को निकाल दिया। वो भी एक परंपरा थी, वो भी एक गुरु के शिष्य थे, लेकिन दोनों का एक ही कार्य था, समाज कल्याण, लोक कल्याण। उस समय की कुरीतियों को, कुनीतियों को निकाल देना, ये दोनों का ध्येय था, दोनों अवतारों का ध्येय था। उसी तरह इस संसार में अब हमें क्या करना चाहिए? हमें राम से अपनाए हुए कुछ नीति, कृष्ण की अपनाई हुई कुछ नीति, परशुराम की अपनाई हुई कुछ नीति, महात्मा गौतम बुद्ध की अपनाई हुई कुछ नीति और दूसरे धर्मों की नीतियों को लेकर एक नया संसार रचा हमने, चाहे वो साबर विधान हो, चाहे नाथ संप्रदाय हो, हम उन सभी को लेकर हमारे गुरुजी ने एक नया संसार रचा। गुरुजी मुसलमानी मंत्रों को भी उतनी ही महानता देते हैं, उससे भी उतनी ही कार्य करवाए। गुरुजी ने क्रिश्चियन मंत्रों को भी दिया है, गुरुजी ने हिंदू मंत्रों को भी दिया है, जैन मंत्रों को भी दिया है, बौद्ध मंत्रों को भी दिया है और कहा है कि ये समाज कल्याण के लिए इन मंत्रों का उपयोग हुआ है, इन देवताओं का उपयोग है और आप सब लोग इन मंत्रों को कर सकते हैं। जैन मंत्रों को करने के लिए जैन ही होना जरूरी नहीं है, बौद्ध मंत्रों के लिए बौद्ध ही होना जरूरी नहीं है, वो लोक कल्याणकारी मंत्र है, वो देवता बुलाएंगे तो जरूर आएंगे उनकी पद्धति में। इस तरह गुरुजी ने एक नई परंपरा आरंभ की, गुरु कृपा प्राप्ति का मार्ग। उन्होंने सारे समाज को पढ़ा, सारे समाज को एकत्रित करने के लिए सारे देवताओं को इकट्ठा करते हुए सारे देवताओं को परंपरा को लेकर चला। कोई बौद्ध आया तो उसके ही उसको उसका मंत्र उपदेश किया, जैन आए तो जैन का मंत्र उपदेश किया, मुसलमान आए तो मुसलमानों का मंत्र उपदेश किया और उन्होंने उस मार्ग को चलाया कि मेरी परंपरा में सारे लोग हैं, मैं केवल एक ही मेरा उद्देश्य है कि लोक कल्याण हो, समाज कल्याण हो और सभी मानवता का धर्म लेकर चले। इसलिए मैं कहता हूँ कि मानवता ही हमारा धर्म है, यहाँ जाति पाति का कोई भेद नहीं है। हमारे साथ वाला मानव हम सुखी रहे और आगे वाले को भी सुखी रखे, ये हमारा जीवन का तत्व है। इसमें अड़चन निर्माण करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारा चिंतन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारी निंदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये आज नहीं चल रहा है, एक परंपरा से चल रहा है। बहुत सारे लोग गुरु मुझे भी बदनाम करते होंगे, मेरी भी निंदा करते होंगे, करने दें, वे उनकी जगह है। मैं मेरा कार्य मेरे गुरु के वचनों को लेकर चल रहा हूँ, मेरे गुरु के कार्य लेकर चल रहा हूँ। इसमें मेरे कार्यों को लेकर किसी को त्रुटि हो सकती है, किसी को निंदा, कोई निंदा कर सकते हैं, कोई मुझे वंदना भी करते हैं, आप मुझे माला पहनाते हैं तो कोई गालियां भी देता होगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं गुरु का कार्य करते हुए आगे चल रहा हूँ और गुरु कृपा प्राप्ति केवल इसी मार्ग से प्राप्त हो सकती है कि हम हमारे गुरु के बचाए हुए मार्ग पर चले। हमारे गुरु जी ने तुम्हारे जीवन के हर समस्या को टटोला है, तुम्हारे जीवन के हर समस्या को, ऐसी समस्या गुरु जी के साधना मार्ग में कौन सी भी समस्या नहीं छूटी तो तुम्हारे जो तुम्हारे जीवन में हो, तुम्हारे घर में शादियों की में बाधा हो, आर्थिक बाधा हो, रोग की बाधा हो और शत्रु की बाधा हो और देवताओं को प्रत्यक्ष करनी हो, योग हो, कुंडली जागरण हो, गुरु जी ने सारी की सारी समस्याएं का साधनाओं का मार्ग और मंत्र ज्ञान की पत्रिका निकाली है और आपको साधनाओं के मार्ग से समाधान किया है, लेकिन फिर भी आप तृप्त नहीं है, फिर भी आप दूसरे गुरुओं के दार खटखटाते हैं, तो मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। आपके गुरु ने अगर आपको ऐसा मार्ग नहीं दिया, आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आप दूसरों का दरवाजा खटखटाने में अर्थ है कोई? लेकिन जब आपके सारे समाधान सारे साधनाओं के मार्ग से आपके आपका समाधान करते हैं फिर भी आप दूसरों के द्वार पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। यही बात उस जमाने में भी जब रघुकुल चल रहा था, रघुकुल में एक महाराजा हुए सत्य हरिश्चंद्र, जिनका नाम आप सभी ने सुना। सत्य हरिश्चंद्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, सत्य हरिश्चंद्र की उस सत्यता को। जब वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, कुल गुरु वशिष्ठ थे, रघुकुल के गुरु वशिष्ठ थे और वशिष्ठ गए और वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु अच्छे राज्य पालन के लिए मुझे क्या करना है। वशिष्ठ बहुत निष्ठावान योगी थे, वे केवल ब्राह्मणों को ही या क्षत्रियों को ही उनके अनुसार दीक्षा देते थे, दूसरों को दीक्षा नहीं देते थे। जबकि और एक उनके रैवलेरी ऋषि हुए जिनका नाम था विश्वामित्र, वे क्षत्रिय होते हुए कहते थे कि क्यों ब्रह्म ऋषि नहीं बना जाता, क्यों मानव की तरह देखा नहीं जाता, मैं ऐसा सभी मानवों को दीक्षा दूंगा, मैं सभी को करूंगा। यह भी एक ऋषि परंपरा हुई, ये भी विश्वामित्र थे और उन दोनों में जब भी टग ऑफ वॉर चला केवल विद्या के बारे में, पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं थी उनमें दोनों में। वशिष्ठ कहते थे कि मैं केवल इन्हीं को लोगों का जो पवित्र पात्र है आम के पेड़ से मैं आम का ही निर्माण करूंगा, लेकिन विश्वामित्र कहते आम के पेड़ से जाम को निकालूंगा, ये विश्वामित्र थे। और वशिष्ठ कहते कि यह असंभव कार्य है,
विश्वामित्र कहते हैं संभव कार्य मैं करके बताऊंगा। जब दोनों का इसी तरह का युद्ध चलते रहा विद्याओं के बारे में एक से एक बढ़कर तंत्र की विद्याओं में, आखिर हारकर ऋषि जी को कहना पड़ा कि विश्वामित्र तेरे तंत्र के सामने मेरी विद्या काम नहीं कर रही। लेकिन फिर भी वशिष्ठ विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहने से झुके नहीं, मैं ब्रह्मर्षि नहीं कहूंगा। और विश्वामित्र चाहते थे कि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि कहे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहे, ब्रह्मर्षि तो मैं नहीं मानूंगा, वशिष्ठ के मुख से सुनना चाहता हूं कि वे मुझे ब्रह्मर्षि कहे। और वशिष्ठ ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे थे। ब्रह्मा जी ने समझाया विश्वामित्र को, विष्णु भगवान ने समझाया, हे विश्वामित्र तूने जो साधना की प्रक्रिया निकाली है तो ब्रह्मर्षि है। तो विश्वामित्र ने नहीं कहा, सप्तऋषि के आदि देवता आदि मंडल जो है, मैं उस वशिष्ठ जी से सुनना चाहता हूँ कि वे मुझे ब्रह्मर्षि कहे। ये दो भी गुरु थे, ये दोनों को भी गुरु परंपरा थी। सच्ची बात तो यह है कि वशिष्ठ जी से ने विश्वामित्र जी ने दीक्षा ली थी गुरु परंपरा की, उस कामधेनु के माध्यम से, कि तपस्या में इतना शक्ति, इतनी शक्ति है कि वह संसार को हिला सकने की शक्ति है। तो संसार में कामधेनु जैसे कामधेनु की सृष्टि करते हुए सृष्टि की प्रति सृष्टि कर सकता है, यह विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से सिद्ध कर दिया था। बात यह हुई कि विश्वामित्र एक बार बैठे हुए यूं ही कह रहे थे, और जब तारा साधना की बात छिड़ी तो केवल 5 दिन की तंत्र मार्ग से विश्वामित्र ने तारा को सिद्ध कर दिया था, जबकि 1000 वर्ष तपस्या करने पर भी वशिष्ठ को तारा सिद्ध नहीं हो रही थी। और एक दिन छिड़कर वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तारा तुझे श्राप देता हूँ तेरे मंत्र को कि तू किसी को प्रत्यक्ष ना हो, तेरा मंत्र ही गलत है। जब ये श्राप देने जा रहे थे तो ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुए, उनके पिताजी थे। कहा वशिष्ठ ठहर जा, तो गलत काम कर रहा है। तारा प्रत्यक्ष होती है लेकिन उसका मार्ग अलग है, इसकी तू साधना करता है तो तुझे जल्दी से जल्दी सिद्ध होगी। और वो चीनायान की प्रक्रिया ज्ञात था विश्वामित्र को, वशिष्ठ नहीं जाना चाहते थे विश्वामित्र के पास, ब्रह्मा जी से ये विद्या सीखनी थी। और ब्रह्मा जी से उन्होंने, विश्वामित्र से ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने ये बात वशिष्ठ जी को कही, और वशिष्ठ जी उस तपस्या के लिए चले गए कि मैं तारा को सिद्ध करता हूँ इस मार्ग में। जो मैंने 1000 साल में तारा को सिद्ध नहीं कर सका, केवल 5 दिन में विश्वामित्र सिद्ध करता है तो मुझे धिक्कार है, यह वशिष्ठ जी को लगा। वे तपस्या को चले गए, विश्वामित्र का अहम बढ़ गया, उन्हें लगा कि मैं मार्ग पर सही हूँ, वशिष्ठ जिस कार्य को सिद्ध नहीं कर सका मैं उस कार्य को सिद्ध किया हूँ। ये भी गुरु थे, वो भी गुरु थे। बाद में पता चला कि वशिष्ठ जी तपस्या को गए हैं, और उस समय रघुकुल के राजा सत्य हरिश्चंद्र सारे भारत का राज्य कर रहे थे, भारत देश के राजा थे, और विश्वामित्र बैठे हुए थे। तो विश्वामित्र के शिष्यों में ऐसी बात चली कि वशिष्ठ जी तपस्या को गए हैं और राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। तो लगा कि राजा हरिश्चंद्र वशिष्ठ जिनके गुरु वशिष्ठ है, और वे सत्यव्रती है, सत्य का व्रत लेकर बैठे हुए हैं। विश्वामित्र को लगा क्या वो सत्यवर्ती है और वशिष्ठ को गुरु मानते हैं, मुझे गुरु नहीं मानेंगे। तो किसी ने कह दिया कि वशिष्ठ एक को ही गुरु मानते हैं, दूसरे किसी को गुरु नहीं मानते। विश्वामित्र को धक्का लगा, मैं हरिश्चंद्र को बता देता हूँ कि गुरु क्या होता है, मैं उनके गुरु से भी बड़ा हूँ, वह मुझे गुरुतुल्य देखे, मेरी गुरु परंपरा ले, नहीं तो मुझे उसकी परीक्षा लेता हूँ। वह विश्वामित्र वहां से सत्य हरिश्चंद्र के पास गए। बाकी की कहानी बहुत सारे आप सब लोगों को मालूम है, मैं बार बार उसे दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने सत्य की परीक्षा ली, हरिश्चंद्र को इतना तबाह किया कि वे स्मशान में जाकर एक चांडाल की जीवन जीते हुए उन्होंने वहां अपना जीवन गुजारा, और ऐसा जीवन गुजारा कि वह स्मशान के रक्षक बनकर रहे। अपने पत्नी का, अपने बच्चे को जलाने के लिए पत्नी के पास उन्होंने जब टैक्स पूछा, उस समय जो स्मशान का टैक्स होता था वो पूछा, तो पत्नी के पास, पत्नी को कहा कि तेरा मंगलसूत्र दे दे, तब मैं तेरे पुत्र को जलाता हूँ। और पत्नी का मंगलसूत्र केवल पति ही दे सकता था, तब पत्नी ने पहचाना कि ये राजा हरिश्चंद्र है। बोला उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। और एक विश्वामित्र जैसा ऋषि, केवल वो वशिष्ठ का शिष्य होने के कारण विश्वामित्र जैसा ऋषि उसको उतना कष्ट पहुंचाता है, तो उस शिष्य की गति क्या हुई होगी। उतना कष्ट होने पर भी हरिश्चंद्र ने कभी विश्वामित्र को गुरु नहीं माना, और कहा कि मेरे गुरु वशिष्ठ ही है। आज हम नाम सत्य हरिश्चंद्र जी का लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वशिष्ठ को गुरु मानकर चले थे, और उन सारे कष्टों को सहते उन्होंने कभी वशिष्ठ को दोष नहीं दिया कि प्रभु आपने ये मुझे व्रत क्यों दिया, जिस व्रत से मुझे इतना सब भोगना पड़ा, ऐसा सत्य हरिश्चंद्र ने कभी नहीं कहा। वे अपने गुरु मार्ग पर चल रहे थे। विश्वामित्र भी इतने तंग हो गए थे कि यह क्या सत्यव्रत है, यह ऐसा कैसा सत्यव्रत है, यह हरिश्चंद्र हार क्यों नहीं रहा है।
मैं इसको इतना सताने के बाद भी हार नहीं रहा है। और उस हरिश्चंद्र पर गुरु कृपा थी और गुरु कृपा के कारण वो हार नहीं रहा था। और विश्वामित्र चिड़े थे जो सृष्टि की प्रतिष्ठि करने वाले वशिष्ठ को हराने वाले सत्य हरिश्चंद्र को हरा नहीं सके क्योंकि गुरु कृपा उसके ऊपर थी। और विश्वामित्र ने अपने शिष्य से कहा, देख गुरु कृपा का कमाल, मैं इतना विश्वामित्र ब्रह्मांड को हिला सका हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को प्रत्यक्ष कर सका हूं, वशिष्ठ को हरा सका, लेकिन मैं उसके शिष्य को हरा नहीं सका, यह गुरु कृपा होती है। विश्वामित्र सत्य हरिश्चंद्र से कह रहे थे और सत्य हरिश्चंद्र से पहली बार विश्वामित्र ने अपने जीवन में क्षमा मांगी थी कि मैंने तुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। और हरिश्चंद्र ने दो हाथ जोड़कर कहा कि मैं अगर सत्यव्रती हूं और भगवान वशिष्ठ मैं ये गुरु मानता हूँ, ये अगर सत्य है तो हे विश्वामित्र जी मेरे गुरु बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि मैंने आपको हराया है। जिनके कारण आप हारे हैं, जिस शिष्य ने विश्वामित्र को हराया अपने सत्यव्रत को लेकर, वशिष्ठ का सीना गर्व से फूल गया। जिस वशिष्ठ से मैं हार गया था उस शिष्य ने उस विश्वामित्र को हराया और विश्वामित्र ने भी कहा कि हे हरिश्चंद्र मैं मान लेता हूं कि मैंने तुझसे हार गया है और ये केवल गुरु कृपा है, गुरु नहीं केवल गुरु कृपा है और गुरु कृपा से हम संसार को हरा सकते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि गुरु कृपा प्राप्ति इसी से होती है। जिसको गुरु कृपा प्राप्त हुई उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, कोई भगवान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब ये बात वशिष्ठ जी तपस्या से छूटे और हरिश्चंद्र के पास आए, जब उनको पता चला कि विश्वामित्र ने उनके शिष्य को इतना कठिनाई इतना कष्ट पहुंचाया है, तो वशिष्ठ जी रुक न सके। अपने गुरु की उस दैन्यता को देखकर उन्हें बहुत ही लगा और बिना हरिश्चंद्र के पास गए, विश्वामित्र पर उन्होंने प्रहार कर दिया, कहा कि विश्वामित्र तू चेत जा, तूने मुझे कष्ट दिया तो मैं कष्ट सहने के लिए तैयार था, लेकिन तूने मेरे शिष्य को कष्ट पहुंचाया है और मैं शिष्य के लिए मैं तेरे से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज तक किसी के साथ युद्ध नहीं किया, मैं मेरे शिष्य के खातिर, तूने मेरे शिष्य को कष्ट पहुंचाया, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। कहते हैं कि वह युद्ध 12,000 साल चला, 12,000 वर्ष विभिन्न अस्त्रों से युद्ध हुआ। कभी वे हंस हुए तो वे गिद्ध हुए, वे कभी शेर हुए तो वे सिंह हुए, इस तरह उन्होंने रूप बदल बदल कर युद्ध किया और सारा ब्रह्मांड उनके 12,000 वर्ष से त्रस्त हो गया था, सारे प्राणी त्रस्त हो गए थे। तब ब्रह्मा जी को बीच आकर ब्रह्मा जी ने दोनों का युद्ध रोका और कहा कि आप क्यों लड़ रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे शिष्य के खातिर, मेरे शिष्य के जिन्होंने इतना कष्ट पहुंचाया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और विश्वामित्र ने कहा कि मैं इसके शिष्य को केवल कीर्ति प्रदान करने के लिए मैंने उसको सजाया है और उसको आज कीर्ति प्रदान करके मैंने जब उसको माफी मांगता हूं तो क्या मैंने सत्यहरिश्चंद्र को कीर्ति प्रदान नहीं की, क्या मैंने गलती की है, यह विश्वामित्र का प्रश्न था। तो दोनों भी अपनी जगह सही थे, वशिष्ठ भी सही थे और विश्वामित्र भी सही थे। मैं ये आपको बात कर रहा हूं, अगर आप आपके गुरु के प्रति निष्ठावान है तो आपके लिए आपके गुरु देवता से भी लड़ेंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको आपके गुरु के प्रति निष्ठा चाहिए। गुरु जी ने यही बात कही थी, जैसे मैं यहाँ आज गुरु पूर्णिमा कर रहा हूं, यहाँ आज ये बदलावमुखी का मंत्र दे रहा हूं, तो मैं सिद्धाश्रम वासियों के साथ झगड़ रहा हूं, सिद्धाश्रम के योगियों के साथ झगड़ रहा हूँ और मैं यह मंत्र दे रहा हूँ। गुरु जी आपके लिए झगड़ेंगे जरूर, गुरु जी आपके लिए वो सारी साधनाएं देंगे अगर आपके आपको गुरु के प्रति निष्ठा है। अरे अगर आपने गुरु कृपा प्राप्त की है तो देवताओं के लड़ने के लिए भी गुरु कोई पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरे गुरु है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं सम्मान गौरव के साथ कह सकता हूँ, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरी गुरु कृपा प्राप्ति जिसको हुई तो मेरे गुरु जी हमारे लिए देवताओं के साथ लड़ने में भी कोई कमी असर नहीं निकालेंगे, असर कमी नहीं करेंगे। यही कार्य वशिष्ठ और विश्वामित्र से हुआ था, यही कार्य वशिष्ठ जी अपने सत्य हरिश्चंद्र के लिए विश्वामित्र से झगड़ा करने गए थे और ये युद्ध 12,000 साल वर्ष हुआ। अगर आप ऋग्वेद की कहानियां पढ़ते हैं, वेद ग्रंथ का आपके पास ज्ञान है, तो ये इस युद्ध के बारे में जिन अस्त्रों का उन्होंने उस समय प्रयोग किया था उस अस्त्रों के बारे में भी वर्णन बहुत बहुत लिखा गया है। यह भी ऋचाएं हैं और वशिष्ठ और विश्वामित्र का वह युद्ध संसार भर में प्रसिद्ध है, जो मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से और बहुरूपियों का रूप धारण करते हुए वो युद्ध हुआ था। केवल अपने शिष्य के लिए वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र से लड़ गए, लेकिन कभी उनके पुत्रों को मरने के बाद भी विश्वामित्र से वशिष्ठ जी ने लड़ाई नहीं की। उनके 100 पुत्रों को मार दिया था विश्वामित्र जी ने, फिर भी वशिष्ठ जी ने उनके साथ युद्ध नहीं किया, लेकिन केवल अपने शिष्य के लिए वो युद्ध करते रहे। यह गुरु होता है, इसे गुरु कहा गया है।
और निष्ठावान वो शिष्य को कहा गया है जो उनके प्रति निष्ठा रखते हुए उसने कष्ट सहा, तो वो गुरु कृपा प्राप्ति होगी और उसके वो संसार में आज तारा बनकर सकता है। समझते रघुकुल भूषण कहा गया है उन्हें, और उसी कुल में भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया। मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ, आप अगर गुरु कृपा प्राप्ति करते हैं, गुरु की कृपा प्राप्ति करते हैं, तो आपको कोई दरिद्रता, कोई राक्षस, कोई देवता आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर आप गुरु कृपा प्राप्त करते हैं। हरिश्चंद्र महाराजा, हरिश्चंद्र जैसे जैसे लोगों को वशिष्ठ जी जैसी कृपा, वैसे गुरु हो, तो आज भी हमारे को हमारे गुरु भी हमारे वशिष्ठ से भी बढ़कर है हमारे लिए। इस कलयुग में वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया है, अगर हम देखते हैं तो हमारे गुरु को वही हमारे लिए वशिष्ठ है और वही हमारे लिए विश्वामित्र है। केवल हमारे को उनकी कृपा प्राप्त करनी है और उस कृपा प्राप्त करने का मार्ग हमें ढूंढना है, उनके मार्ग पर चलना है। हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई सिद्धाश्रम का योगी अगर हम सही है तो वे उल्टा हमारी सहायता करेंगे, देवता हमारी सहायता करेंगे, और नहीं करेंगे, हमें सताएंगे, तो गुरु जी स्वयं उनके साथ लड़ेंगे हमारे लिए। मैं आपको वही गुरुकृपा की गुरुकृपा प्राप्ति का मार्ग बतला रहा हूं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये उस सत्य युग से आ रही है जब सत्य हरिश्चंद्र जैसे थे, जो पहला युग था, जो सत्य युग था, उस जमाने की बात कह रहा हूं मैं। गुरु शिष्य को अपने हारते हुए कभी देखना नहीं जाता और हारे हुए शिष्य को अपनाता भी नहीं। जो शिष्य अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहते हुए जाता है तो उसे विजय जरूर प्रदान करे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, उसके सामने देवताओं को भी हारना पड़ता है। केवल हमें करना है गुरु कृपा प्राप्ति का विधान, और यह मैं कल सुबह इस विधान और गुरु कृपा प्राप्ति की साधना का मार्ग कल सुबह आपको मैं बताऊंगा, जिस साधना के मार्ग से गुरु कृपा प्राप्त की जाती है, और जिस साधना को वशिष्ठ जी ने हरिश्चंद्र जी को समझाया था, विश्वामित्र ने अपने शिष्य को समझाया था, विश्वामित्र के शिष्य भी तीन विश्वामित्र थे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं कल सुबह आपको प्रदान करूंगा। उस गुरु कृपा प्राप्ति की साधना के साथ आप लोग कल सुबह साधना के लिए आए। आप सभी लोगों को कल गुरु पूर्णिमा है, 5 बजे आप सभी का कर्तव्य बनता है कि इस निखिल चेतना के प्रांगण को शुद्ध और स्वच्छ बनाएं। कल गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा के लिए आप सभी लोगों को अभिषेक के लिए पानी लाकर अभिषेक करना है। मोहन सेठ, उदय महाराज, शेषु महाराज आपके लिए सुबह अभिषेक के मंत्र, और जितने भी यहाँ आए हैं योगी ब्राह्मण हैं वो लोग अभिषेक का मंत्र पढ़ेंगे। आपको अभिषेक करना, पहले उन देवताओं का अभिषेक करना है, और उसके बाद आप यहाँ आने के बाद यहाँ स्टेज पर फिर गुरु पूजन होगा। 8 बजे तक हम गुरु पूजन सम्पन्न कर देंगे, और गुरु पूजन के बाद गुरु कृपा प्राप्ति की साधना के बारे में बताऊंगा। और कल जो अग्नि प्रज्वलित की गई है उसमें उस गुरु कृपा प्राप्ति का एक विशेष मंत्र के साथ आहुति एक माला मैं आपको दिलवाऊंगा, और उसके बाद पूर्णाहुति होगी, गुरु कृपा प्राप्ति साधना होगी। और कल गुरु पूर्णिमा का दिवस है, आपको पूर्णत्व प्रदान करने की, वो गुरु कृपा प्राप्ति की साधना आपको प्रदान कर इस गुरु पूर्णिमा को संपन्न करूंगा, और कहूंगा कि हम भी पूर्णत्व प्राप्त करें, ऐसे गुरु जी से आशीर्वाद मांगता हुआ मैं आज का यह कार्यक्रम यहाँ समापन करता हूँ। एक बार जय घोष करें। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुपुत्र गुरुदेव की, सब सिद्धाश्रम की, सब सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। मैंने आपकी व्यस्तता को दृष्टि में रखकर कल दोपहर 2 या 3 बजे तक कार्यक्रम समापन करने का निश्चय किया है, लेकिन जो बाद में लोग आए हुए हैं और जो लोग चाहते हैं कि गुरु जी कोई बात नहीं, अगर आप शाम तक भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करें, ये बात अगर आप दत्तु भैया से कह दें तो मैं शाम तक आपको विशेष साधना के साथ साधना करवाऊंगा। नहीं गुरु जी, हम व्यस्त हैं, गुरु पूर्णिमा कहीं भी जाए हमें 2 बजे तक रिलीज कर दे, तो आपको मैं 2 बजे तक ही रिलीज कर देता हूँ। निर्णय आपका है, आप कल सुबह आपका निर्णय सुनाएंगे। मैं कल सुबह 8 बजे यहाँ आकर कार्यक्रम आरम्भ करूंगा। गुरु पूर्णिमा आपको पूर्णत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है, केवल शिष्य को गुरु के चरणों में पहुंचना होता है, और गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को पूर्णत्व प्रदान करें। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आपको पूर्णता प्रदान करें। ऐसी गुरु पूर्णिमाएं हम श्रेष्ठ उत्सव के माध्यम से और श्रेष्ठ पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हजारों गुरु पूर्णिमाएं मनाएं, और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का नाम इस कलयुग के अंत तक और युगों युगों के अंत तक हम निखिलेश्वरानंद जी का नाम इस संसार में रखें, चैतन्यवान रखें, निखिल ज्योति को जलाएं। निखिलेश्वरानंद जी की साधना
कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे अग्रसर हो, हमारी पीढ़ियां भी इस कार्य को करें और इस निखिल चेतना केंद्र के सारी शाखाएं पूरे भारत में व्याप्त हो, ऐसे ही प्रार्थना करता हुआ मैं यहां का यह कार्यक्रम समापन करता हूं। कल सुबह मैं 8 बजे आप सभी से मिलूंगा, फिर कल सुबह आपको सभी को दर्शन देने का आश्वासन देते हुए मैं यहाँ एक कार्यक्रम यहाँ समापन करता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को जितने भी मैंने यंत्र बताए हैं ये साधनाएं जरूर संपन्न करें, इसे अधूरे न छोड़े, क्योंकि आपको मैं अगली गुरु पूर्णिमा को ऐसा चमत्कार जरूर, अगर सिद्धाश्रम के योगी या सिद्धाश्रम कोई भी कहता है तो मैं गुरु के चरणों में लड़खड़ाकर प्रार्थना करूंगा कि गुरु जी इस संसार में साइंस से आगे कुछ है, ये चमत्कार बताने के लिए मुझे आदेश दो, मैं इस निखिल चेतना केंद्र में ऐसा चमत्कार बताऊंगा जो मैंने पहले वचन दिया है और वो वचन को निभाकर बताऊंगा कि ऐसा चमत्कार होना ही चाहिए कि साधना में शक्ति है, ये बताने के लिए मैं अग्नि गुरु पूर्णिमा में आपको सचेत और दिव्य दृष्टि वाला देखना चाहता हूँ। यह साधना आप जरूर संपन्न करें, गुरु कृपा प्राप्ति की साधना तक आप संपन्न करें और आप दिव्य दृष्टि से भगवान सद्गुरुदेव को आप इस आकाश में देख सकें, यह मैं कार्य आपको वचन देता हूँ।